हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ये देखो, ये डैंथस, तो इस पर फूल खिले हुए थे, ये सूख चुके हैं, तो मैंने इसमें बीज बनने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे बीज की ज़रूरत है, मैं बीज कलेक्ट करके रख लूँगी। ये है मैरीगोल्ड, जाफरी मैरीगोल्ड, इसमें भी बहुत खूबसूरत फूल खिल रहे। ये है आपका जूही का प्लांट, जिसे बोलते हैं कुंदे का प्लांट, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, बंचिस में आते हैं और इसके बहुत सारी वैरायटी भी होते हैं, पर इसमें खुशबू नहीं है, खुशबू वाले भी मिलती है। मेरे पास थे दो, वो प्लांट ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मैं अपने मम्मी घर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ पौधे मर जाते हैं। यहाँ पे हिबिस्कस में एक फूल खिले हुए हैं, इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग जिसे बोलते हैं। ये है आपका वज्रदंती का पौधा, जिसे मैंने कचड़े में लगाया था और कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसके फ्लावर्स देखिए, छोटे छोटे हैं, व्हाइट कलर के हैं। व्हाइट कलर के फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप सबको पसंद आते हैं तो आप सब ज़रूर कमेंट में बताइए। तो देखिए, कलियां भी है और इसमें शायद बीज भी बनने लगते हैं। मुझे अभी इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, अब नॉलेज हो जाएगी क्योंकि मैंने इसे अभी पाला है। देखिए, 5 इंच के पॉट में ही लगी हुई है और इसके मेरे पास 2 पौधे हैं, तो एक मैं रखूंगी, एक मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, शायद किसी को देने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जिसकी मैंने रूट प्रूनिंग की थी, आप सभी ने वीडियो पसंद किया था हिबिस्कस की, तो इसमें देखिए फूल खिल गए हैं इसके, यानी कि मेरे ये पौधे सेट हो चुके हैं मिट्टी में। ठीक है, तो आप भी अभी कर सकते हो, फरवरी का लास्ट ख़त्म होने से पहले, या फिर कर सकते हो, नहीं तो फिर ज़्यादा गर्मी घुस जाएगी, तो आप ये सब काम बिल्कुल भी मत करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पौधे मेरे हेल्दी ग्रो हो गए हैं। और आज जो देख रहे हो ना, ये है कलेंचो का प्लांट है। आज जो वीडियो होने वाली है, एक पत्ते से हम कैसे पौधे को ग्रो कर सकते हैं। ये जो है अद्भुत वाले पौधे हैं, अमेजिंग पौधे हैं, जो हम टहनी के बिना भी, एक पत्ते भी अगर कहीं से चोरी करके हम अपने मिट्टी में दबा देंगे तो ये लग जाते हैं। तो यहाँ पर है आपका ये जेड प्लांट है, मैंने इसे कटिंग से लगाया था। बेबी डियर है, कैलेंचो है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 6-7 पौधे हैं जो मैं आज आप सबको पत्ते से ग्रो करके दिखाऊंगी, और इसकी रिजल्ट अगर अच्छी आई तो भी मैं आप सबको दिखाऊँगी। ये क्रोटन का प्लांट, क्रोटन में भी बहुत ईजीली ये लग जाते हैं, पत्ते से ग्रो होते हैं। हमें कैसे लगाना है, कब लगाना है, इसी वीडियो में जानेंगे, और आप सब वीडियो पे बने रहिएगा। आप सब अगर चाहते हो एक पत्ते से ग्रो करना, तो आप भी कर सकते हो, मनी प्लांट को भी हम कर सकते हैं पत्ते से ग्रो। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो, ये है स्नेक प्लांट, डॉल वैरायटी है, और मेरे पास और एक है देसी वैरायटी जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप भी वो ले सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी डस्ट बैठ चुकी है, तो इसे देखिए अगर हम साफ़ करते हैं ना, तो कितनी शाइनिंग कर रही है ना। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप हमेशा साफ़ सुथरा रखो। और ये सब ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, अगर आपके गार्डन में कम धूप आती है तो ये सब आप ज़रूर ऐड करें। तो सबसे पहले देखिए, हमें मिट्टी ले लेना है, वो भी सॉफ्ट मिट्टी, भुरभुरी होनी चाहिए, तब जाकर हमारे पौधे की जो पानी जब हम डालेंगे ना, तो इसमें ठहरेगी नहीं और हमारे पत्ते गलेंगे नहीं। तो आप अगर चाहते हो एक पत्ते से पौधे ग्रो करना, तो मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है। जैसे देख रहे हो ना, कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, सॉफ्ट के लिए हमें बालू मिलाना पड़ेगा और मिट्टी ले लीजिए, और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो देख रहे हो ना, ये मशरूम वाले डिब्बे हैं, तो हम इसमें ही आज आप सबको दिखाएंगे। जैसे लोग मशरूम की सब्जी बनाकर खा लेते, पर डिब्बे को कचरे समझकर फेंक देते हैं। अगर आप कुछ नया यूनिक करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो पहले हमें हॉल कर लेना है, यानी कि छेद कर लेना है डिब्बे में, उसके बाद हमें मिट्टी को भर लेना है, अच्छी तरह से दबा दबा कर हम भर लेंगे मिट्टी को। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर ना क्या किया है, सारे पत्ते को लेकर रख ली, इसलिए क्योंकि ज़्यादा देर ना हो, फिर तोड़ते वक्त बहुत देर हो जाएगी ना। तो देखिए, ये क्रोटन का प्लांट है, क्रोटन की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, आप चाहो तो कोई भी, अगर एक पत्ते भी, 2 पत्ते भी मिलते हैं ना, तो आप पौधे फ्री के ही तैयार कर सकते हो। तो देखिए, हमें बहुत आसानी तरीके से मैं बता रही हूँ, ये बहुत आसानी से लग जाती है। देखिए, सिर्फ कैसे करना है, मिट्टी में इसके जो नीचे के हैं, जो टहनी होते हैं, उसे हमें मिट्टी में दबा देना। तो तीनों मैंने लाइन से लगा दिया। देखिए, मनी प्लांट भी आप एक पत्ते से ग्रो कर सकते हो। देखिए, हर एक पत्ते के पास नोड एरिया होता है, वहाँ पर जड़ बने रहते हैं। तो आप तो देख रहे हो तो सोचोगे, ये तो 2 पत्ते ली है, पर बोली है एक पत्ते से ग्रो होंगे। तो देखिए, मैं आप सबके पास इसे तोड़कर रख देती हूँ अलग। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने तो एक पत्ता ले लिया है ना, तो इसे भी हमें मिट्टी में अच्छे तरीके से दबा देना है। और वो वाली मैं क्या करूँगी, क्या पता वो लगेंगे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं ना, तो इसमें पता नहीं, फिर भी ट्राई करने में क्या है, इसे भी मैं लगा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने मनी प्लांट की 2 लगा दी है, और ये जो है ये स्नेक प्लांट है, तो मैंने एक आधा पत्ती ली है और एक पूरी पत्ती ली है। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा, नीचे के जो पार्ट होते हैं उसे हमें मिट्टी में दबाना है, अच्छी तरह से हमें उसे दबा देना है, तब जाकर उनमें जड़ बनेंगे। हाँ, और ये ना बहुत वक्त लगाते हैं, यानी कि 5-6 महीने भी लग सकते हैं में रूट्स बनने में, जड़ बनने में। तो आप इसे छेड़छाड़ ना करें, जब भी अगर आप इस
पत्ते वाले पौधे को लगाते हो ना, तो ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे और छन छन की धूप आती रहेगी और मिट्टी जब सूखेगी तब जाकर आप लीजिएगा। ये है कैलेंचो का पौधा जिसमें फूल भी आते हैं, पर ये फूलों वाला पौधा है कैलेंचो, देसी वाले हैं। आपके पास अगर हाइब्रिड है तो वो भी आप पत्ते से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है हाइब्रिड वाले की। तो बहुत सारी कलरफुल आते हैं, नर्सरी अगर जाओगे बहुत महंगे मिलते हैं, 300, 350, 200 इस तरह के पौधे मिलते हैं, देसी वाले बहुत कम मिलते हैं। ये है आपका जेड प्लांट, इसकी मैंने 2 पत्ते लिए हैं और इसकी भी मैंने कटिंग से तैयार किया है ये पौधे को, और अब मैं पत्ते से ग्रो करके दिखाऊंगी आप सबको। अगर ग्रो हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भी अच्छी बात है। रिजल्ट लाने में क्या है, हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और ये है बेबी डियर, ये भी बहुत आसानी से लग जाते हैं। देखिए कितने मोटे मोटे पत्ते हैं, ये जितने भी मोटे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं ना, ये सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनमें बहुत ही मॉइस्चर बना रहता है, इनके पत्ते में अगर आप तोड़ोगे ना तो बहुत नमी रहती है। और ये सब पत्ते वाले पौधे में अगर आप पानी 1 हफ्ते तक नहीं भी देते हो तो भी ये पौधे मुरझाते ही नहीं है, वैसे के वैसे ही ढीठ के जैसे मोटे मोटे पत्ते रहते हैं, सारे पत्ते ऐसे झूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे पौधे लग चुके हैं, अब हमें पानी ना कैसे देना, डायरेक्ट मत दीजिएगा, हमें हाथों से ऐसे थोड़ी हल्की हल्की छिड़क देना है, या फिर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उससे भी दे सकते हो। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट दूंगी तो कहीं पर गड्ढा गुड्ढी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं दिया है। अब मिट्टी सेट होने में इन्हें टाइम लगेगी ना, क्योंकि अभी हमने इसमें मिट्टी भरकर और पानी दिया है, तो ऐसे आप पानी दे सकते हो। अब सुनिए, ध्यान रखिएगा, मिट्टी जब सूखेगी तब जाकर आप पानी दीजिएगा, नहीं तो फिर बराबर मत दीजिएगा, नहीं तो हमारे पौधे खराब ही हो सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छी जगह पर रख दूंगी जहाँ पर आपका वो धूप आती होगी 15 मिनट या आधे घंटे की, उस जगह पर मैं रख दूंगी। तो देखिए मेरे इसमें 1 पत्ते वाले पौधे मेरे तैयार हो चुके हैं, अब इनमें रिजल्ट आएंगे तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। आप सब मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना। और आप सब बहुत मुझे सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक भी करते हो, लाइक करना नहीं भूलते हो, मुझे पता है आप सब लाइक बहुत ज़्यादा करते हो, उसके लिए भी दिल से थैंक यू। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करके जाते हो ना, हाँ मुझे ये भी पता है, बिना सब्सक्राइब किए तो जाते ही नहीं हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो देखिए इतने सारे मैंने पौधे लगा लिए, और अगर आपके पास है तो आप भी लगा लीजिए फटाफट से, नहीं तो देर हो जाएगी। ये फरवरी का महीना बहुत ही बेस्ट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।